दोस्तों इस चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 230 के टारगेट को भी टीम इंडिया डिफेंड कर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जीत का छक्का लगा दिया, क्योंकि टीम इंडिया में अमर अकबर एंथनी की एक तिकड़ी ऐसी है जो किसी भी मुश्किल हालत से टीम को जीत का सफर करवाने का योग्यता रखती है। और ये तिकड़ी बल्लेबाज की नहीं बल्कि टीम इंडिया के गेंदबाजों की है। बुमराह शमी और कुलदीप यादव है टीम इंडिया के नायब अमर अकबर एंथनी। जी हाँ दोस्तों, बुमराह शमी और कुलदीप की गेंदबाजी ने भारत को यह जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो इन तीनों को आप भी खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आगे आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ 230 का लक्ष्य हासिल करना शायद जीत का आसान मौका माना जा रहा था, लेकिन इस तिगड़ी ने विपक्षी टीम की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। इसके साथ आपको बता दें कि क्रिकेट के आंकड़ा विशेषज्ञ सर्वे क्रिक एस्पेक्ट, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर और इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि पाइथन कोडिंग भाषा के जरिए इस तिगड़ी को लेकर एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं, पिछले 5 सालों में 2018 के बाद बुमराह ने अगर पावर प्ले में 2 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं तो भारत ने 80% मैच यानी 5 में से 4 मैच जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी का आंकड़ा और भी खतरनाक है। अगर मोहम्मद शमी 2018 के बाद पावर प्ले में 2 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं तो भारत को 100% मैच में जीत मिली है यानी 5 में से 5 मैच जीते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि सर्वे से ये भी बताते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले बुमराह शमी और कुलदीप यादव की खासियत ये भी रही कि इन तीनों ने 50% से ज्यादा डॉट गेंदें डाली, यानी कि उनके ओवर की आधी से ज्यादा गेंद पर बल्लेबाज रनों को तरसते रहे। इसी वजह से बाकी के 3 गेंदों पर बल्लेबाजों ने एक्स्ट्रा दबाव में भी उन्हें विकेट भी दिया। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में 66.7% डॉट गेंद डाली, जबकि कुलदीप यादव ने करीब 52% और मोहम्मद शमी ने करीब 53% डॉट गेंद डाली। बड़ी बात यह भी है कि गेंदबाज अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते ज्यादा नजर आ रहे हैं। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर विजय दहिया कहते हैं, शुरुआत शमी, बुमराह और सिराज कर रहे हैं और बच गए बल्लेबाज को कुलदीप यादव नहीं छोड़ते हैं। कुलदीप के पास ये क्षमता है कि वो शुरुआत में विपक्षी टीम पर बने प्रेशर को बरकरार रखते हैं। अगर बड़े टूर्नामेंट जीतना है तो आपको गेंदबाज ही जिताएंगे। सिर्फ 3 ही नहीं टीम इंडिया के 5 गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर सबा करीम कहते हैं, मैं तो कहूंगा सबके सब ग्रुप का इक्का है। ये 3 टीम इंडिया के स्ट्राइक बॉलर है। ये गेंदबाज टीम इंडिया को कभी भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। रोहित शर्मा ने इन पर भरोसा जताया और उनके भरोसे पर 100% खरा उतरे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह 6 मैच खेलकर 15 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शमी को 2 ही मैच खेलने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं और कुलदीप यादव ने भी 10 विकेट अपने नाम किए हैं। यानी 6 मैचों में अब तक कुल मिलाकर इन तीनों ने 34 विकेट चटका चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बार खिताब के लिए टीम इंडिया ने जीत की मजबूत नींव डाल दी है। क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस को भरोसा बढ़ता जा रहा है कि टीम इंडिया 1983 और 1911 का इतिहास तिहराने वाली है। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप 2023 भी टीम इंडिया जीत पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।